झुंझुनू से बीजेपी सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ ने कहा, सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी ने मरवाया था। बयान का वीडियो वायरल हुआ तो सांसद ने इस पर सफाई दी, बोले मेरी जुबान फिसल गई, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था, मैं महात्मा गांधी का सम्मान करता हूं, दफ्तर में मैंने उनकी फोटो लगा रखी है। आपको बता दें कि सांसद खीचड़ 25 जून को बाकरा गांव में स्वतंत्र सेनानी सेयों लाल खीचड़ की प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में गए थे। यहाँ सांसद ने कहा था कि सुभाष चंद्र बोस की हत्या महात्मा गांधी ने करवाई थी, प्रधानमंत्री तो एक को ही बनना था, गांधी ने बोस को चुनाव के लिए राजी तो कर लिया लेकिन उन्हें मरवा दिया। तो वहीं बयान पर विवाद हुआ तो सांसद ने सोमवार को सफाई दी और कहा, मेरे कहने का मतलब वह नहीं था, मेरे कहने का मतलब था कि आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस को बनना चाहिए था, गांधी जी चाहते तो सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री बन सकते थे लेकिन गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू को प्राथमिकता दी। मेरे कहने का मतलब सामान्य भाषा में यह था कि गांधी जी के कारण ही सुभाष चंद्र बोस प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस का पॉलिटिक मर्डर कर दिया, आशय या नहीं था कि गांधी जी ने बोस को जान से मरवा दिया या हत्या करवा दी। सांसद ने इसके साथ ही कहा कि मेरी जुबान फिसल गई थी, कहने का मतलब कुछ और था जिसे तोड़ मरोड़ कर कुछ और पेश कर दिया, महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, ऐसा कोई शब्द निकल गया तो मैं क्षमा चाहता हूँ, हम तो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं, मैं महात्मा गांधी का पूरा सम्मान करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।